इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है और लिस्ट वगैरह मैंने कल डिलीवरीज हमने 29 अप्रैल की करनी है, उसकी मैंने बना ली है लिस्टें। और तकरीबन 300 मैसेजेस थे, उन 300 में से मैं तकरीबन जो है वो कुछ अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप मेरे सामने खुल रहे हैं, पढ़े मैंने और उनको मैंने लोकेशंस वगैरह बताई हैं जो जहाँ की थी, उनको वहाँ डिफरेंट लोकेशन पर फॉरवर्ड किया। लेकिन उन मैसेजेस में जो स्टोरीज थी उन्होंने मुझे डेली की रूटीन है ये, मतलब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और आज तक हर रोज़ ही तकरीबन ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि उन मैसेजेस में ऐसी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रेफरेंसेस, कुछ बातें मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करता हूँ और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है एहसास दिलाना कि यार एहसास अगर इंसान में है सो वो इंसानियत उसके अंदर बाकी है और वो इंसान अशरफुल मखलूकात है। अगर एहसास ख़त्म हो जाएगा हमारे अंदर से तो हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जानवर भी खाता है सो जाता है और इंसान भी अगर खाएगा और सो जाएगा बिना एहसास के, बिना ख्याल के, बिना लोगों की जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह के साथ साथ जो हम पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर नहीं टेक केयर करेगा तो फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त बहुत सारे लोग, मतलब हमें एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी, चले मैं आपसे शेयर करता हूँ। 4 लोग थे, उन 4 में से जब परसों हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई, कल का दिन बीच में था, कल जब हम जाते हैं उनको डिलीवरी देने तो हमें पता चलता है उनमें से एक शख्स की डेथ हो गई और वो अभी सर्द खाने में रखा हुआ है और उसको क्योंकि खाने के भी पैसे नहीं थे, अब उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि वो जो जिस हॉस्पिटल प्राइवेट में है उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है, 50 रियाल पर डे। तो उसकी रीज़न जब हमने सॉर्ट आउट की तो इस वक्त शदीद डिप्रेशन और शदीद जहनी इस्तराब से लोग गुजर रहे हैं और जो हल्की तबीयत और थोड़े से हल्के दिमाग के लोग हैं वो इस डिप्रेशन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि उन पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको घर पैसे भेजने अपने तो घर भी पैसे नहीं भेज पा रहे अपने, और यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे क्योंकि काम पे नहीं जा पा रहा कोई भी बंदा, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी अब रेंट भी ऊपर चढ़ गए लोगों के, बच्चों वाले उनके बच्चों की स्कूलों की फीसेस भी आ गई ऊपर, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो एक जंग चल रही है इंसानों की अपने आप से। सो मैं आपको 2 चीज़ें, ये वीडियो बनाने के सिर्फ 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, देखें आपकी टेंशन लेने से आपके मसले हल नहीं होंगे, आपके मसले हल होने का जो वक्त है और आपकी जो हिम्मत और ताकत है उससे ही आपके मसले हल होंगे। आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाएं, इस चीज़ का सोचें मत कि क्या होगा, देखो ये सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है, आप ये मत सोचो कि मैं ही क्यों गुजर, नो एवरीबॉडी इज़ गोइंग थ्रू दिस हार्ड टाइम, हर एक बंदा, जो अरब खरब पति लोग हैं ना वो भी इस वक्त परेशान है क्योंकि उनकी सैलरीज जो देनी है उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के जो मालिक है, करोड़ों रुपए जो सैलरी देते हैं वो भी अब स्टक हुए हैं, क्योंकि हर बंदे ने कहीं इन्वेस्टमेंट की होती है, कहीं फंसाया हुआ होता है पैसा, कहीं कुछ किया होता है, कैश नहीं है किसी के पास भी, सबका काम रुका हुआ है। सो नंबर 1, जो भी मुझे देख रहा है और जिसको भी आप चाहें इसको शेयर करें, कहीं भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जहाँ भी हो आप इसे शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस जहनी टेंशन को मत लें, क्योंकि जो जहनी टेंशन है ना वो नज़र नहीं आती इंसान को लेकिन वो अंदर ही अंदर खा जाती है उसे और वो उसका पता भी नहीं चलता, बंदा ऐसे फारिग हो जाता। सो आप टेंशन मत लें, ये वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। नंबर 2, मैंने एक रिक्वेस्ट की, एक हमारे अजीज़ हैं लंदन में होते हैं वो और साइकेट्रिस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंशाअल्लाह उनको भी हम लाइव सेशन में लेंगे, आपके जो सवालात मुझे आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसके साथ, ताकि आप लोग मेंटली जो है वो रिलैक्स हों। सो ये मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है और बस आप ये सोच लें कि ये वक्त निकल जाएगा इंशाल्लाह, रिलैक्स हो जाएं, रोज़ी का राज़िक रब है, अपने आप को परेशान मत करें। जो भी मेरे देखने वाले चाहने वाले हैं वो तो इस घड़ी इस लम्हे से ही छोड़ दें टेंशन, अगर उन्होंने कुछ ली हुई है तो, क्योंकि आपके टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी हम इंशाल्लाह, आप लोग यहाँ पर अनजान नहीं हैं, आप लोग यहाँ पर खारजी नहीं हैं, हम यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी जेब में 50 पैसा भी आखिरी होगा तो भी हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह।
सो जितनी हमारी हिम्मत है, जितनी इस्तात है, जितना हम कर सकते हैं, अगर आज आपको नहीं हो रहा तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि आप हमारी क्यू में हैं, लगे हुए हैं। हम अपने भरपूर वसाइल जितने भी हमारे पास हैं उनको लेकर के आपके पास आ रहे हैं। सो आप परेशान मत हों, डिप्रेस मत हों, टेंशन मत लें, ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह समझ लीजिए निकल जाएगा। एक जो होप है ना, होप, वो मत लूज़ करें कभी भी, क्योंकि अगर आपने होप लूज़ कर दी ना तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है बाकी। तो बस ये मैसेज था रात के इस पहर आप लोगों के लिए, जितने भी देखने वाले हैं, कि यार परेशान मत हो, गुजर जाएगा ये वक्त इंशाल्लाह, सब साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। आप यहाँ परदेसी नहीं हैं, आप यहाँ पे खारजी नहीं, हम साथ हैं आपके। अल्लाह हाफिज़।